में हम किसी बीमारी पर बात नहीं करेंगे, आज हम सेहत की समस्या पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने खाने में इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी वेजिटेबल की बात करेंगे जो आपकी हमारी सेहत के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं गुणों की खान मशरूम की। शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा मशरूम में ऐसी क्वालिटी है जो बहुत सी बीमारियों को नजदीक फटकने नहीं देती है। तो आइए जानते हैं मशरूम की खासियतों के बारे में और उन पर विस्तार से बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। साथ ही संजीवनी टिप्स में जानेंगे कमल ककड़ी की ढेरों खूबियां, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कौन कौन सी खासियतों से भरा है मशरूम। जानते हैं कि क्या सचमुच कई रोगों की दवा है मशरूम। क्या वाकई में मशरूम का अगर सेवन आप करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है? डॉक्टर साहब हम जानना चाहेंगे सबसे पहला सवाल यही कि मशरूम के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है और वाकई में क्या बहुत सारी बीमारियों से बचाता है मशरूम। देखिए, इसमें बेसिकली हमें देखना है कि मशरूम में क्या क्वालिटीज हैं, गुण क्या होते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले अगर देखें, अगर पोषण की दृष्टि से देखें तो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर है। खास तौर पर जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए प्रोटीन का एक अच्छा ये सोर्स है। उसके अतिरिक्त जो है एंटीऑक्सीडेंट इसमें क्वालिटीज पाई जाती हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को, या हम जिसको आयुर्वेद में ओज शक्ति जिसको कहते हैं, ओज वर्धक इसको बताया गया है, बलवर्धक है, धातु वर्धक है। इसके अतिरिक्त एक रिसर्च के अनुसार ये भी पाया गया है कि जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं तो उनमें भी एंटी कार्सोजेनिक इसका रोल एक पाया गया है, यानी कि जिन लोगों को कैंसर होता है वो भी इसका सेवन करें तो उनको कुछ फायदा इससे होता है, क्योंकि पोषण न्यूट्रिशन उनको बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। जब लोग कैंसर की दवाइयां ले रहे होते हैं, कीमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन चल रही है, तो उनको कुछ ऐसी चीजें चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी बरकरार रहे। शोथहर यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटीवायरल गुण भी इसमें पाए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सभी गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। तो काफी सारी एक प्रकार से इसमें औषधीय गुण भी हैं और पोषण से संबंधित भी कई प्रकार के इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कई प्रकार के इसमें विटामिन्स मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनको के सेवन करके हम अपने शरीर के धातुओं को पुष्ट कर सकते हैं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है उसको हम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब इसी के साथ प्रोग्राम के पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल उनका नाम है जी। बताइए राहुल, क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो नमस्कार जी डॉक्टर, मैं राहुल बोल रहा हूँ जी। सर ये मेरे मुंह में छाले बहुत रहते हैं। अच्छा, तो गर्मी जितनी गर्मी होती है जब तक छाले रहते हैं, सर्दियों में ठीक हो जाते हैं? देखिए, छाले होना और गर्मी के मौसम में होना, तो इससे संकेत आपको यही मिलता है कि आपके शरीर में पित्त की जो है वृद्धि है, या हम उसको आम भाषा में कहें तो गर्मी ज्यादा है शरीर में। और खास तौर पर जब आपके गर्मी लिवर में या आपके पेट में ज्यादा गर्मी हो, हीट ज्यादा हो, तो उसकी वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं। तो एक तो नीम के पत्तों का सेवन आप करें, सुबह 4-5 पत्ते ताजा सुबह खाली पेट आप सेवन करेंगे तो उससे आपका जो है रक्त भी शुद्ध होगा, साथ में आपके जो पेट की जो गर्मी है वो कम होगी। और इसके अतिरिक्त बहुत अच्छा है अगर चमेली के पत्ते आपको मिल जाएं, जब छाले आपके मुंह में हो रखे होते हैं तो चमेली के पत्ते 4-5 आप मुंह में डाल के उनको चबाएं और उसका जो पेस्ट जो बनता है उसको छाले के ऊपर आप लगा लें। और खाने में गर्म चीजें बिल्कुल नहीं खानी, मिर्ची अचार, बहुत ज्यादा तीखी चीजें, या चटनी, या फिर जो चाय कॉफी से भी बहुत गर्मी होती है बॉडी में। खास तौर पर जिन लोगों को मुंह में छाले हों उनको चाय नहीं पीनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि उससे और ज्यादा हीट बढ़ेगी उसको। पानी खूब पीजिए, नारियल पानी पीजिए, ककड़ी खीरा ऐसी चीजों का सेवन करेंगे। और खास तौर पर जैसा कि आपने कि गर्मी में होता है, तो गर्मी में ये सब चीजें मिलती हैं, तरबूज मिलता है, खीरा, ककड़ी, नारियल वगैरह खूब मिलता है। इसके अतिरिक्त सत्तू, जौ का, जो कूलिंग चीजें हैं उनका सेवन आपको करना चाहिए, गर्म चीजें आपको नहीं खानी चाहिए, उसी से आपको रिलीफ हो जाएगा। लेकिन अगर रोग आपका काफी क्रॉनिक हो चुका है, पुराना हो चुका है, बार बार आता है, तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं, उनका भी आप जो है प्रयोग कर सकते हैं और अपने रोग को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। और हम समझ रहे हैं कि आप जरूर ये जानना चाहते होंगे कि मशरूम के औषधीय गुण क्या है, और डॉक्टर साहब ये भी साथ बताइए कि किन किन रोगों में बहुत लाभदायक है मशरूम। देखिए, डायबिटीज के पेशेंट्स भी इसको ले सकते हैं, जिन जिन रोगों में कमजोरी बहुत हो जाती है, जैसा मैंने कहा कि बलवर्धक है, धातुवर्धक है, तो डायबिटीज में कमजोरी वीकनेस होती है तो डायबिटीज के पेशेंट ले सकते हैं। इसी तरह से आपको पैरालिसिस अगर हो गया है, लकवा मार जाता है जैसे, उसमें कमजोरी बहुत होती है। मांसपेशियों का क्षय हो गया है, कमजोरी आपकी मसल्स में वीकनेस आ गई है, वो भी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है बहुत बढ़िया इसमें क्वालिटी ये भी है कि इसमें पोषण है लेकिन ये वजन नहीं बढ़ाता, फैट नहीं है इसमें,
तो ओबेसिटी से जो लोग परेशान हैं, मोटापे से, वो इसको ले सकते हैं। इन्फेक्शन किसी प्रकार का हो शरीर में, जैसा कि हमने कहा एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल इन्फेक्शन को भी ठीक करने में सहायता ये देती है। आपको अगर कब्ज रहती है या पेट में किसी प्रकार का जो है इंडाइजेशन रहता है, कमजोरी के लिए बहुत अच्छी है। जिन लोगों को वीकनेस फील रहती है, जिन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा कमजोरी थकावट बनी रहती है, वो खून की कमी अगर होती है या किसी प्रकार से धातुओं की कमी शरीर में हो, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। और वीक लीवर हो आपका, लीवर कमजोर हो, अस्थमा के अगर आप पेशेंट हैं, तो वो भी मशरूम का सेवन कर सकते हैं। और एक दर्शक है रोहित, राजस्थान से कॉल कर रहे हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? रोहित आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, बोलिए। हाँ जी, मेरे डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 30 साल है और अपना हमेशा ना सर्दी बनी रहती है। अच्छा, और रात को सोते टाइम सांस भी नहीं आ पाती है, बलगम नाक बंद रहता है, उसमें छींके आती है, क्या होता है? नहीं, छींके तो दिन के टाइम आती है, लेकिन रात को सोते टाइम ना सांस नहीं ली जाती है। अच्छा, नाक बंद हो जाती है? बिल्कुल बंद हो जाती है। देखिए, एक तो आप इसमें एक काम करिए कि थोड़ा गर्म पानी करें, और गर्म पानी में कुछ थोड़ा आप सफेदे के पत्ते हों, यूकलिप्टस के अगर पत्ते मिल जाएं, उनको थोड़ा सा रगड़ के वो उबाल लें, या यूकलिप्टस का तेल भी मिल जाता है, उसकी कुछ बूंदें डालें, तो उसका भाप आपको शाम को लेना चाहिए। उसके अतिरिक्त नाक के चारों तरफ थोड़ा मालिश करें, तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल भी लें नाकों में, दोनों नासिकाओं में, तिल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे बादाम का तेल हो, वो डाल लें। क्योंकि अंदर जो बलगम सूखा हुआ है, जो बलगम बिल्कुल सूख जाता है, अंदर चिपक जाता है, जो कि नाक को बंद कर देता है, उसको ये थोड़ा सॉफ्ट करके फिर ढीला करके बाहर निकालेगा। लेकिन साथ में जैसा आयुर्वेद की हम अगर बात करें, आयुर्वेद के सिद्धांतों की बात करें, तो आयुर्वेद में मुख्य रूप से कफ का प्रकोप आपको है, तो कफ वर्धक चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। जो बलगम बनाने वाली चीजें हैं, दूध से बनी चीजें हैं, मिठाइयां हैं, तली चीजें हैं, ऐसी चीजों का बिल्कुल परहेज करिए, और कुछ आयुर्वेदिक औषधि इसमें साथ में आपको लेनी चाहिए, जिससे कि आपका जो कफ का प्रकोप है वो बैलेंस हो, नियमित रूप से कफ आपका सामान्य हो जाए। और एक चीज इसमें और देखने को आती है कि खास तौर पर जिन लोगों को नाक, गला, ये चेस्ट संबंधित जो रोग होते हैं, अक्सर उनका पाचन भी कमजोर पाया जाता है। तो अगर डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, आपको गैस बनती है, एसिडिटी होती है, खाना पचता नहीं है ठीक से, तो उसके लिए फिर पाचन का उपचार भी साथ में आपको करना चाहिए। और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल हैं, महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं, बताइए क्या समस्या है राहुल? हाँ जी, मैं जब भी रात में सर धो लेता ना, तो काफी सुबह फीवर सा फील होता, काफी ऐसा लगता है काफी फीवर हो गया हो, लेकिन ये जब भी रात में धोता जब भी होता है, ऐसा क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। देखो, रात में सर धोने से क्या होता है कि थोड़ा ठंडा तो होगा सर आपका, जब आप सर धोएंगे अच्छी तरह से और पानी डालेंगे उस पर, तो कूल ठंडा होने से हो सकता है आपके सिर में कोई कफ का प्रकोप होता है, या उसकी वजह से जो कफ की वृद्धि होती है जिससे आपको फीवरिश फील होता है। अभी जो आप बता रहे हैं इससे तो यही समझ आता है, और विस्तार से इसको अगर पूरा हम निर्णय करें तो उसके लिए थोड़ी और बातचीत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप हमारे यहाँ फोन करके डॉक्टर से विस्तार से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आप रात को जब सिर धोएं या स्नान करें, तो आप थोड़ा गुनगुना पानी प्रयोग करके देखिए, ठंडा पानी यूज मत करिए, हल्का सा गुनगुना पानी। और बहुत अच्छा रहेगा कि सिर धोने से पहले आप 5-7 मिनट सिर में जो है तेल की मालिश भी करें, अच्छी तरह से मालिश करें तेल की, और फिर आधा घंटा उसको छोड़ के उसके पास पश्चात आप सिर धोएं अपना या स्नान करें, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलने का पूरा पूरा मुझे संभावना है कि आपका सिर दर्द, ये बुखार नहीं होगा आपको। लेकिन फिर भी अगर समस्या बनी रहती है, तो थोड़ा सा इसको समझ करके अच्छी प्रकार से उसका एक रोग निदान हम करें, उसका एक डायग्नोसिस करके उसको ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आज हम मशरूम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या मशरूम को लेकर अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं, कोई परहेज भी किया जाना जरूरी है? क्या कोई ऐसे रोगी भी होते हैं जिन्हें मशरूम नहीं खानी चाहिए? जी देखिए, जैसा कि मशरूम है, आपने देखा होगा कि मशरूम एक प्रकार का फंगस है, फंगस भी कहते हैं उसको, एक तरह का ये, जब आप उसे साफ करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू भी नहीं आती है, तो वो जो है बरसात के दिनों में ऐसे भी उगता है, आमतौर पर वाइल्ड भी उगता है, और इसकी जो खेती होती है वो भी बहुत उसमें की जाती है, डार्क रूम के अंदर की जाती है, उसमें बहुत ज्यादा जो है खाद उसमें लगाया जाता है, गोबर के खाद के ऊपर। एनीवे, कहने का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा सा ये जो है, जब इन्फेक्शन आपके शरीर में कहीं हो, खास तौर पर कोई पस वाली चीज आपके शरीर में हो, तो उस समय इसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा ये
खाने में जो है थोड़ा हैवी माना गया है इसको, गरिष्ठ माना गया है। और मन के लिए अगर देखें तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जो आध्यात्मिक जीवन का वो पालन करते हैं वो मशरूम भी नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन और मशरूम वगैरह वो नहीं खाते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा तामसिक माना गया है, क्योंकि डार्क में बिल्कुल अंधेरे कमरे में ये ज़्यादा उगाई जाती है उसका, तो उसको एक तरह से गुणों में जैसे हमारे सत्व रज तम गुण है तो उसको तामसिक माना गया है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा आपको कोई मानसिक विकार भी चल रहा है, कोई किसी प्रकार का आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी या नर्वस सिस्टम आपका थोड़ा कमजोर है तो उसमें भी थोड़ा इसको आपको मात्रा उसकी ध्यान रखनी चाहिए और या थोड़ा उसका सेवन नहीं करना चाहिए। एक दर्शक है अमरजीत, उनका नाम है, बताइए अमरजीत क्या समस्या है आपकी। नमस्कार सर, मैं अमरजीत बोल रहा हूँ गोरखपुर यूपी से। जी बोली। सर मैं जब भी नहाता हूँ या कहीं धूप में चलता हूँ तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और एकदम सर जलन समझता है सर। देखो इसमें जो आंखों में आपको जलन होता है तो एक प्रकार की एलर्जी इसको कह सकते हैं, पानी से भी कई लोगों को होती है, कई लोगों को पानी में अगर कुछ ज्यादा कुछ केमिकल्स हैं, आजकल कई पानी जो आते हैं हमारे टैप में उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत होती है, तो क्लोरीन से कई लोगों को आंखों में जो है एलर्जी होती है, रिएक्शन होता है, आंखें लाल हो जाती हैं। कभी आपने देखा होगा कि यदि आप कभी स्विमिंग के लिए जाएं और स्विमिंग पूल में क्योंकि क्लोरीन की मात्रा काफ़ी होती है तो वहां से बाहर निकलने के बाद आंखों में आपको थोड़ा लाली लालिमा या उसमें कई बार गर्मी थोड़ी महसूस होती है। और दूसरा आपने कहा कि धूप में जाते हैं तो वो भी यही दर्शाता है कि गर्मी की वजह से या पित्त की वजह से आपको प्रॉब्लम है। तो गुलाब जल बहुत अच्छा रहेगा, गुलाब जल का प्रयोग आप करें आंखों में सुबह शाम, दोनों आंखों में आप गुलाब जल डालें रेगुलरली, साथ में थोड़ा त्रिफले का पानी आप रात को भिगोएं और फिर उसको सुबह आंखों को उससे धोएं अच्छी प्रकार से, और आंवला आप इंटरनली सेवन करें, आंवले का चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम, जिससे कि अंदर का पित्त भी आपका शांत हो और बाहर के लिए आपको गुलाब जल और त्रिफला पानी आपको बहुत लाभ पहुंचाए। चलिए इसी के साथ कुछ और जानकारी डॉक्टर साहब से लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं मशरूम को लेकर आप क्या क्या बातें अपना सकते हैं अपने जीवन में। तो डॉक्टर साहब आज की संजीवनी बताइए। देखिए जैसा मैंने कहा कि कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन की कमी किसी व्यक्ति को हो, आजकल बहुत लोग प्रोटीन के पाउडर वगैरह भी खाते हैं, तो प्रोटीन के जगह अगर आप मशरूम, नेचुरल है बिल्कुल नेचुरल प्रोटीन, इसका मशरूम का सूप आप बना सकते हैं, बहुत फायदा करेगा आपको। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनमें कई प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह की जरूरत उनको होती है, तो मशरूम का वो सेवन करें, सब्जी बनाएं उसकी, तो उससे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। अनीमिया की प्रॉब्लम जिसको हो, खून की कमी हो, वो भी मशरूम का सेवन कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक ढूंढते रहते हैं कि क्या चीज़ हम खाएं जिससे कमजोरी भी ना आए और हमारा वजन भी ना बढ़े, तो मशरूम उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। और जैसा एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इसका है तो जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं वो लोग भी इसका सेवन अपने शारीरिक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन मात्रा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये उतनी मात्रा में आप लें जो ठीक से पच जाए, अगर पचेगी तभी आपको वो शक्ति प्रदान करेगी। ठीक है, साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका नाम रीमा है। रीमा बताइए क्या समस्या है आपकी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मुझे अभी 2 महीने से अभी थायराइड की प्रॉब्लम निकली है, मेरा वेट भी बढ़ रहा है और हाथ पैर में स्वेलिंग रहती है। जी तो अभी आपने दवाई कुछ शुरू की है कि नहीं? अभी तो मैंने लेना शुरू नहीं किया है, मैं सोची थी अगर आयुर्वेद में इसका कुछ ट्रीटमेंट है तो। तो आपका कितना है वो टेस्ट में कितना आया है जो TSH? मतलब स्टार्टिंग बताया उन्होंने कि अभी शुरुआत स्टार्टिंग है, तो देखिए आप अगर डॉक्टर से सलाह जरूर लें और अगर उसमें आपको औषधि भी लेनी पड़े जो कि थायराइड के लिए होती है उसको भी शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो हम चिकित्सा करते हैं वो थोड़ा दूसरे लेवल पर, शोधन चिकित्सा इसमें मुख्य रूप से की जाती है, शोधन यानी कि स्रोतो शुद्धि। उसके अलावा शोथहर, जैसे कि आपने कहा कि वजन बढ़ा है, कहीं सूजन आ गई है, तो उसके दृष्टि से भी हम शोथहर चीजें भी इसमें कुछ देते हैं, तो कुछ दवाइयाँ आयुर्वेद में इसकी हैं, वो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके जरूर शुरू कर दें। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लंबे समय तक आपको दवाई खानी पड़ती है, 8-10 महीने 1 साल भी कई बार खानी पड़ती है, लेकिन उसमें आपको लाभ मिलने की पूरी पूरी हम कोशिश करेंगे और हम बताएंगे भी आपको कि क्यों ये रोग होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आप विस्तार से कंसल्टेशन एक कर सकते हैं या आपके यहाँ भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे भी आप संपर्क करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। है रोहित राजस्थान से कॉल कर रहे हैं, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी।
रोहित आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो बोलिए। हाँ जी मेरे डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 30 साल है और हमेशा ना सर्दी बनी रहती है। अच्छा, और रात को सोते टाइम सांस भी नहीं आ पाती है, बलगम नाक बंद रहता है, उसमें छींके आती है, क्या होता है? नहीं, छींके तो दिन के टाइम आती है, लेकिन रात को सोते टाइम ना सांस नहीं ली जाती है। अच्छा, नाक बंद हो जाती है? बिल्कुल बंद हो जाती है। देखिए, एक तो आप इसमें एक काम करिए कि थोड़ा गर्म पानी करें, और गर्म पानी में कुछ थोड़ा आप सफेदे के पत्ते हों, यूकलिप्टस के अगर पत्ते मिल जाएं, उनको थोड़ा सा रगड़ के वो उबाल लें, या यूकलिप्टस का तेल भी मिल जाता है, उसकी कुछ बूंदें डालें, तो उसका भाप आपको शाम को लेना चाहिए। उसके अतिरिक्त नाक के चारों तरफ थोड़ा मालिश करें, तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा तेल डाल भी लें नाकों में, दोनों नासिकाओं में, तिल का तेल हो, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे बादाम का तेल हो, वो डाल लें। क्योंकि अंदर जो बलगम सूखा हुआ है, जो बलगम बिल्कुल सूख जाता है, अंदर चिपक जाता है, जो कि नाक को बंद कर देता है, उसको ये थोड़ा सॉफ्ट करके फिर ढीला करके बाहर निकालेगा। लेकिन साथ में जैसा आयुर्वेद की हम अगर बात करें, आयुर्वेद के सिद्धांतों की बात करें, तो आयुर्वेद में मुख्य रूप से कफ का प्रकोप आपको है तो कफ वर्धक चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। जो बलगम बनाने वाली चीजें हैं, दूध से बनी चीजें हैं, मिठाइयां हैं, तली चीजें हैं, ऐसी चीजों का बिल्कुल परहेज करिए, और कुछ आयुर्वेदिक औषधि इसमें साथ में आपको लेनी चाहिए, जिससे कि आपका जो कफ का प्रकोप है वो बैलेंस हो, नियमित रूप से कफ आपका सामान्य हो जाए। और एक चीज इसमें और देखने को आती है कि खास तौर पर जिन लोगों को नाक, गला, ये चेस्ट संबंधित जो रोग होते हैं, अक्सर उनका पाचन भी कमजोर पाया जाता है। तो अगर डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, आपको गैस बनती है, एसिडिटी होती है, खाना पचता नहीं है ठीक से, तो उसके लिए फिर पाचन का उपचार भी साथ में आपको करना चाहिए। और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राहुल हैं, महाराष्ट्र से कॉल कर रहे हैं, बताइए क्या समस्या है राहुल? हाँ जी, मैं जब भी रात में सर्द हो लेता ना, तो काफी सुबह फीवर सा फील होता, काफी ऐसा लगता है काफी फीवर हो गया हो, लेकिन ये जब भी रात में होता, जब भी होता है, ऐसा क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। देखो, रात में सर्द होने से क्या होता है कि थोड़ा ठंडा तो होगा सर आपका, जब आप सर्द होंगे अच्छी तरह से और पानी डालेंगे उस पर, तो कूल ठंडा होने से हो सकता है आपके सिर में कोई कफ का प्रकोप होता है, या उसकी वजह से जो कफ की वृद्धि होती है जिससे आपको फीवरिश फील होता है। अभी जो आप बता रहे हैं इससे तो यही समझ आता है, और विस्तार से इसको अगर पूरा हम निर्णय करें तो उसके लिए थोड़ी और बातचीत करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप हमारे यहाँ फोन करके डॉक्टर से विस्तार से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आप रात को जब सिर धोएं या स्नान करें तो आप थोड़ा गुनगुना पानी प्रयोग करके देखिए, ठंडा पानी यूज मत करिए, हल्का सा गुनगुना पानी। और बहुत अच्छा रहेगा कि सिर धोने से पहले आप 5-7 मिनट सिर में जो है तेल की मालिश भी करें, अच्छी तरह से मालिश करें तेल की, और फिर आधा घंटा उसको छोड़ के उसके पास पश्चात आप सिर धोएं अपना या स्नान करें, तो उससे भी आपको रिलीफ मिलने का पूरा मुझे संभावना है कि आपका सिर दर्द, ये बुखार नहीं होगा आपको। लेकिन फिर भी अगर समस्या बनी रहती है तो थोड़ा सा इसको समझ करके अच्छी प्रकार से उसका एक रोग निदान हम करें, उसका एक डायग्नोसिस करके उसको ठीक किया जाए। डॉक्टर साहब, आज हम मशरूम के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या मशरूम को लेकर अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं, कोई परहेज भी किया जाना जरूरी है? क्या कोई ऐसे रोगी भी होते हैं जिन्हें मशरूम नहीं खानी चाहिए? जी देखिए, जैसा कि मशरूम है, आपने देखा होगा कि मशरूम एक प्रकार का फंगस है, फंगस भी कहते हैं उसको, एक तरह का ये, जब आप उसे साफ करते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू भी नहीं आती है। वो जो है बरसात के दिनों में ऐसे भी उगता है, आमतौर पर वाइल्ड भी उगता है, और इसकी जो खेती होती है वो भी बहुत उसमें की जाती है, डार्क रूम के अंदर की जाती है, उसमें बहुत ज्यादा जो है खाद उसमें लगाया जाता है, गोबर के खाद के ऊपर। एनीवे, कहने का मतलब मेरा ये है कि थोड़ा सा ये जो है, जब इन्फेक्शन आपके शरीर में कहीं हो, खास तौर पर कोई पस वाली चीज आपके शरीर में हो, तो उस समय इसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, ये खाने में जो है थोड़ा हैवी माना गया है, इसको गरिष्ठ माना गया है, और मन के लिए अगर देखें तो कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग जो आध्यात्मिक जीवन का वो पालन करते हैं, वो मशरूम भी नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन और मशरूम वगैरह वो नहीं खाते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा तामसिक माना गया है, क्योंकि डार्क में बिल्कुल अंधेरे कमरे में ये ज़्यादा उगाई जाती है उसका, तो उसको एक तरह से गुणों में, जैसे हमारे सत्व रज तम गुण है, तो उसको तामसिक माना गया है। तो इसलिए थोड़ा सा, अगर बहुत ज़्यादा आपको कोई मानसिक विकार भी चल रहा है, कोई किसी प्रकार का आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी या नर्वस सिस्टम आपका थोड़ा कमजोर है, तो उसमें भी थोड़ा इसको आपको मात्रा उसकी ध्यान रखनी चाहिए, और या थोड़ा उसका सेवन नहीं करना चाहिए। एक दर्शक है अमरजीत, उनका नाम है, बताइए अमरजीत क्या समस्या है आपकी?
नमस्कार सर, मैं अमरजीत बोल रहा हूँ गोरखपुर यूपी से। जी बोली। सर मैं जब भी नहाता हूँ या कहीं कहीं धूप में चलता हूँ तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और एकदम सर जलन समझता है सर। देखो इसमें जो आंखों में आपको जलन होता है तो एक प्रकार की एलर्जी इसको कह सकते हैं, पानी से भी कई लोगों को होती है, कई लोगों को पानी में अगर कुछ ज्यादा कुछ केमिकल्स हैं, आजकल कई पानी जो आते हैं हमारे टैप में उसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत होती है, तो क्लोरीन से कई लोगों को आंखों में जो है एलर्जी होती है, रिएक्शन होता है, आंखें लाल हो जाती हैं। कभी आपने देखा होगा कि यदि आप कभी स्विमिंग के लिए जाएं और स्विमिंग पूल में क्योंकि क्लोरीन की मात्रा काफी होती है तो वहां से बाहर निकलने के बाद आंखों में आपको थोड़ा लालिमा या उसमें कई बार गर्मी थोड़ी महसूस होती है। और दूसरा आपने कहा कि धूप में जाते हैं तो वो भी यही दर्शाता है कि गर्मी की वजह से या पित्त की वजह से आपको प्रॉब्लम है। तो गुलाब जल बहुत अच्छा रहेगा, गुलाब जल का प्रयोग आप करें आंखों में सुबह शाम, दोनों आंखों में आप गुलाब जल डालें रेगुलरली, साथ में थोड़ा त्रिफले का पानी आप रात को भिगोएं और फिर उसको सुबह आंखों को उससे धोएं अच्छी प्रकार से, और आंवला आप इंटरनली सेवन करें, आंवले का चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम, जिससे कि अंदर का पित्त भी आपका शांत हो और बाहर के लिए आपको गुलाब जल और त्रिफला पानी आपको बहुत लाभ पहुंचाए। चलिए इसी के साथ कुछ और जानकारी डॉक्टर साहब से लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं मशरूम को लेकर आप क्या क्या बातें अपना सकते हैं अपने जीवन में। तो डॉक्टर साहब आज की संजीवनी बताइए। देखिए जैसा मैंने कहा कि कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन की कमी किसी व्यक्ति को हो, आजकल बहुत लोग प्रोटीन के पाउडर वगैरह भी खाते हैं, तो प्रोटीन के जगह अगर आप मशरूम, नेचुरल है बिल्कुल नेचुरल प्रोटीन, इसका मशरूम का सूप आप बना सकते हैं, बहुत फायदा करेगा आपको। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनमें कई प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, फॉलिक एसिड वगैरह की जरूरत उनको होती है, तो मशरूम का वो सेवन करें, सब्जी बनाएं उसकी, तो उससे उनको काफी लाभ मिलेगा। अनीमिया की प्रॉब्लम जिसको हो, खून की कमी हो, वो भी मशरूम का सेवन कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक ढूंढते रहते हैं कि क्या चीज हम खाएं जिससे कमजोरी भी ना आए और हमारा वजन भी ना बढ़े, तो मशरूम उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है। और जैसा एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इसका है तो जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं वो लोग भी इसका सेवन अपने शारीरिक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, लेकिन मात्रा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये उतनी मात्रा में आप लें जो ठीक से पच जाए, अगर पचेगी तभी आपको वो शक्ति प्रदान करेगी। ठीक है, साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका नाम रीमा है। रीमा बताइए क्या समस्या है आपकी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। जी मुझे अभी 2 महीने से अभी थायराइड की प्रॉब्लम निकली है, मेरा वेट भी बढ़ रहा है और हाथ पैर में स्वेलिंग रहती है। जी तो अभी आपने दवाई कुछ शुरू की है कि नहीं? अभी तो मैंने लेना शुरू नहीं किया है, मैं सोची थी अगर आयुर्वेद में इसका कुछ ट्रीटमेंट है तो। तो आपका कितना है वो टेस्ट में कितना आया है जो TSH? मतलब स्टार्टिंग बताया उन्होंने कि अभी शुरुआत स्टार्टिंग है, तो देखिए आप अगर डॉक्टर से सलाह जरूर लें और अगर उसमें आपको औषधि भी लेनी पड़े जो कि थायराइड के लिए होती है उसको भी शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो हम चिकित्सा करते हैं वो थोड़ा दूसरे लेवल पर, शोधन चिकित्सा इसमें मुख्य रूप से की जाती है, शोधन यानी कि स्रोत शुद्धि। उसके अलावा शोथहर, जैसे कि आपने कहा कि वजन बढ़ा है, कहीं सूजन आ गई है, तो उसके दृष्टि से भी हम शोथहर चीजें भी इसमें कुछ देते हैं, तो कुछ दवाइयां आयुर्वेद में इसकी हैं, वो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके जरूर शुरू कर दें। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लंबे समय तक आपको दवाई खानी पड़ती है, 8-10 महीने 1 साल भी कई बार खानी पड़ती है, लेकिन उसमें आपको लाभ मिलने की पूरी हम कोशिश करेंगे और हम बताएंगे भी आपको कि क्यों ये रोग होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आप विस्तार से कंसल्टेशन एक कर सकते हैं या आपके यहाँ भी कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे भी आप संपर्क करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और टिप्स जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कमल ककड़ी के औषधीय गुण, तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी टिप्स? देखिए कमल ककड़ी आपने देखी होगी कि वो जो अपना कमल का फूल होता है उसके नीचे का स्टेम जो है उसको कमल ककड़ी बोलते हैं, आमतौर पर मिलती है सब्जी वालों के पास, थोड़ी सी हार्ड होती है, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, कुछ लोग उसका अचार भी डालते हैं, बहुत सारे गुण उसमें हैं, खास तौर पर कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स उसमें बड़े महत्वपूर्ण, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह ये उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो कैल्शियम यानी कि हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, जिन लोगों को हड्डियाँ कमजोर हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, वो कमल ककड़ी का सेवन करें, उसका अचार बनाएं, सूप बनाएं, जैसे भी उसको सेवन करना हो। दूसरा जो है
आपको अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो इसमें अपना सोडियम मैग्नीशियम का बैलेंस बड़ा अच्छा बनाती है शरीर के अंदर, तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो लोग कमजोर रहते हैं, जिनकी शारीरिक शक्ति जो है कम है, रोगों से लड़ने की शक्ति कम है, वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। और एक इसमें बड़ा अच्छा एक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे मस्तिष्क में जो मूड जो हमारा होता है, मूड को अच्छा करता है। जो सेरोटोनिन होता है हमारे ब्लड में एक प्रकार का, जो कि मस्तिष्क में हमारे मूड को वो डिफ्रेंशिएट करता है। अगर लो होगा तो मूड लो हो जाएगा, वो थोड़ा सा ठीक रहेगा तो मूड अच्छा रहता है। तो वो कमल ककड़ी में भी वो चीज़ पाई जाती है ट्रिप्टोफैन, जो कि सेरोटोनिन के लेवल को बैलेंस करती है हमारे मस्तिष्क के अंदर। तो जिन लोगों का मूड जनरली डाउन रहता है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं।